भारत को हिंदू राष्ट्रीय घोषित कराने के लिए आवाज लगातार बुलंद होती ही जा रही है। इसी श्रृंखला में धर्मनगरी वृंदावन में एक संत द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्रीय घोषित कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र अपने रक्त से लिखा गया है। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जहां सुनरक मार्ग स्थित महेश्वर धाम अखंड श्री राम महायज्ञ चल रहा है, वहीं महेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री का ध्यान इस मांग की ओर करने के लिए देश के 125 करोड़ संत एवं हिंदूवादियों की ओर से रक्त से पत्र लिखा गया है। उनका कहना है कि देश में जिहाद और आतंकवाद पूरी तरीके से फैल चुका है। इसके मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री हमारे इस मांग पर ध्यान अवश्य देंगे। जी महाराज जी, आपने ये अपने रक्त से ये प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है, क्या लिखा है महाराज जी इसमें? देखिए, ये जो आज देश की जो दुर्दशा है, जिसमें कि ये जिहादी और आतंकवाद पूरी तरह से फैल चुके हैं, इनसे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमने अपनी मांग रखी है और 100 करोड़ साधु संत व जनता का समर्थन हमारे साथ है, जिसके आधार पर हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपनी मांग रखकर और उसकी मांग को पूरी करने के लिए हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि 7 नवंबर 2022 को हम अपनी पूरे समर्थन के साथ, समर्थन पत्र के साथ प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी मांग को पूरी करने का आश्वासन हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांग का आश्वासन दें और उस कार्य को पूरा करें, जिसके लिए जो ये आतंकवाद और जिहादी हैं जो देश में कोने कोने में फैले हुए हैं, इसको साफ करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। तो हमारी प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ एक ही मांग है कि हम बहुमत के आधार पर अपनी मांग पूरी करने की हमें पूरा है कि यह हमें मांग पूरी की जाएगी, पूरा आश्वासन हमें प्रधानमंत्री महोदय से मिलेगा।